आज़ादी इजहार की आड़ में मुकद्दस कुरान करीम की बेहुरमती नाकाबिल बर्दाश्त और नाजायज। तुर्क सदर एर्दोगान ने किया शदीद गुस्से का इजहार। ईरान में हिजाब का इस्तेमाल ना करने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। अब मशहद में एक वाटर पार्क कर दिया गया बंद। हुकाम ने कहा हिजाब कवानीन की पासदारी ना करने पर की गई कार्रवाई। चीन में शदीद बारिशों ने मचाया कहर। टेक्नोलॉजी सिटी शेंजन में टूटा 71 साला रिकॉर्ड। तबाहकुन बारिश में बड़े पैमाने पर हुआ जानी व माली नुकसान। दो हजार चौबीस के जनरल इलेक्शन से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 7 सीटों पर हुए बाय इलेक्शन में बीजेपी को मिली सिर्फ 2 सीटें। हतमी नतायज अभी आना बाकी। एमआईएम तर्जमान सैयद आसिम वकार ने सनातन धर्म पर स्टालिन के बयान की मजम्मत की। कहा हम मजहब के खिलाफ नहीं, ऐसा करके बीजेपी को फायदा ना पहुंचाए स्टालिन। और आम आदमी पार्टी की खातून लीडर रीना गुप्ता ने बीजेपी के तर्जमान गौरव भाटिया पर लगाया छेड़खानी का इल्जाम। कहा रेपिस्टों को दी जाती है बीजेपी में जगह।